वो दोनों लोग ही मेरे अपने हैं। एक वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जो मेरा शौहर है। दूसरी मेरी बहन है, जो मेरे लिए खुद को कितनी बार कुर्बान कर चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम माँ बन सकती हो बेटा। मुझे झूठी तसल्लियाँ मत। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। I'm sorry। सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमें आपको पता है ना, अरसलान को बच्चों का कितना शौक। जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो या अल्लाह, ये मेरी बच्ची को किस आजमाइश में डाल दिया है। वो कैसे अपने शौहर और ससुरालियों के ताने सहेगी। या अल्लाह, तू रहमान है, हर चीज पर कादिर है। मिशाल पर रहम कर, रहम कर मेरे मौला। ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकते। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हातिम। क्या हातिम? हमारे हमारे पहले बेटे का नाम होगा हातिम। हातिम अरसलान। तुम्हें पता, मुझे ये नाम इतना पसंद है कि मैंने फेसबुक पे एक आईडी भी बनाई थी इसी नाम की। क्या हुआ? ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हातिम तो लड़के का नाम है ना। हाँ तो, पर अगर हमारी पहली बेटी हुई तो उसका भी नाम सोचा हुआ है, उजाला। क्या? तो इसका मतलब है कि पहले बेटा हो या बेटी, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, तरतीब कुछ भी हो, तीन होना। तीन? हाँ तीन। हातिम, उजाला और दानिश। फिर कहाँ गई थी तुम दोनों? बताती क्यों नहीं? अम्मा, मैं क्लिनिक गई थी मिशाल को लेकर। क्लिनिक? कौन से क्लिनिक? क्या हुआ है मिशाल को? डॉक्टर कह रही है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों को कैसे ब्याह सकती हूँ अम्मा? अल्लाह ना करे किसी किसी एक के साथ बुरा होगा तो उसका असर दूसरी बेटी की जिंदगी पर पड़ेगा। और अब ये सारी बातें तो बात की हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मिशाल और मायरा बहुत छोटी हैं अम्मा,